हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे ही हो मेरा नाम है दीपक वेलकम बैक टू के टू के मोटो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप तो फाइव बेस्ट बाइक्स के बारे में जिनको आप एक लाख साठ हजार ऑनरोड प्राइस टैग के अंदर परचेज कर सकते हो टॉप तो फाइव बेस्ट बाइक्स अंडर वन लैक सिक्सटी थाउजेंड ऑन रोड प्राइस इस लिस्ट के अंदर नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक भी है फुल्ली फेयर स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक भी है एडवेंचर टूर टाइप की बाइक भी है सो so, अगर आपको इन सब बाइक्स के बारे में जानना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो और अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एट दी रेट के मोटो व्लॉग्स सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो यार स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को सो so, इस लिस्ट में फिफ्थ बाइक है बजाज पल्सर एन अगर आप एक परफॉर्मेंस ओरियंटेड राइडर हो तो फिर इस प्राइस रेंज के अंदर आपको एन एस ही परचेज करनी चाहिए क्योंकि ये जो प्राइस सेगमेंट है इसके अंदर आपको सिर्फ यही बाइक मिलती है जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस वाली बाइक है क्योंकि इस बाइक के अंदर 199.5 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन है जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 24.5 फोर की और मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट है 18.5 पॉइंट फाइव मीटर विद सिक्स स्पीड ट्रांसमिशन यानी कि इस बाइक के अंदर सिक्स स्पीड गियर बॉक्स है लिक्विड कूल्ड इंजन है और इसी वजह से इस बाइक की मैक्सिमम पावर आउटपुट और परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है सो अगर आप एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड राइडर हो तो फिर आपको एन एस के लिए ही जाना चाहिए बाकी दोस्तों इस बाइक के अंदर फीचर्स उतने अच्छे देखने को नहीं मिलते हैं क्योंकि इस बाइक के अंदर वहीं हेलोजन हेडलाइट है एनोलॉग प्लस डिजिटल टाइप का इंस्ट्रूमेंट कंसोल है एल टेल लाइट है बाइक के अंदर स्प्लिट सीट्स का सेटअप दिया गया है और अलोविल्स का डिजाइन भी काफी अच्छा है और बाइक काफी मस्कुलर बल्कि लुकिंग मशीन है प्राइस के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक का एक ही स्टैंडर्ड मॉडल है जिसका एक्चुअल प्राइस है बल्लेग थर्टी सिक्स थाउजेंड और इस बाइक का दिल्ली में ऑनरोड प्राइस आपको देखने को मिलेगा वन लैक सिक्सटी थाउजेंड के आसपास बाकी दोस्तों इस बाइक की टैंक कैपेसिटी है ट्वेल्ल लीटर की और बाइक पेरीमीटर फ्रेम पे बेस्ड है जिसके अंदर फ्रंट में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स है और रियर में प्री रोड एडजस्टेबल नाइट्रोक सस्पेंशन है बाइक के अंदर फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक है विद स्टैंडर्ड सिंगल चैनल एबीएस फ्रंट में 300 हंड्रेड mm एमएम की डिस्क ब्रेक है रियर में 230 थर्टी एमएम की डिस्क ब्रेक है बाइक के अंदर 100 सेक्शन का फ्रंट टायर है 130 सेक्शन का रियर टायर है सो दोस्तों ये थी फिफ्थ नंबर पे बजाज की पल्सर एन एस टू हंड्रेड इस बाइक को आप परचेज कर सकते हो अगर आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है परफॉर्मेंस माइलेज इस बाइक में आपको फोर्टी के एमपील के आसपास की मिलेगी अब बात करते हैं फोर्थ बाइक के बारे में दोस्तों इस लिस्ट में फोर्थ नंबर पे तीन बाइक्स है जो है एक्सपल्स 200, हंड्रेड एक्सपल्स टू टी और एक्सट्रीम टू हंड्रेड एस हीरो की तीनों बाइक्स इंजन और काफी सारे कंपोनेंट्स को शेयर करती हैं। एक्सपल्स 200 एक टिपिकल एडवेंचर टूर टाइप की बाइक है और एक्सपल्स टू टी एक कंफर्टेबल क्रूजर टाइप की बाइक है एक्सट्रीम टू एस एक फुली फेड स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक है तीनों बाइक्स का बेस्ट पार्ट यह है कि तीनों बाइक्स के अंदर एलईडी हेडलाइट का सेटअप दिया गया है जिसके अंदर एलईडी डी भी है और फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है जिसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और नेविगेशन सिस्टम फीचर भी दिया गया है सो so, तीनों बाइक्स के अंदर ये एडवांस फीचर्स देखने को मिल जाते हैं प्राइस के बारे में अगर बात करें तो एक्सपल्स टू का एक शोरूम प्राइस है वन लेख ट्वेंटी थ्री थाउजेंड ऑनरोड प्राइस है वन लेख फोर्टी सिक्स थाउजेंड इस बाइक के अंदर आप फोर वी वाले एडिशन को भी परचेज कर सकते हो एक्सपल्स टू हंड्रेड फोर वी का एक्श्योरूम प्राइस है वन लैक फिफ्टी थ्री थाउजेंड एक्सपल्स टू हंड्रेड टी का एक ही स्टैंडर्ड मॉडल है जिसका एक्श्योरम प्राइस है प्राइस है वन लैक फोर्टी थ्री थाउजेंड एक्सट्रीम टू हंड्रेड एस का भी एक स्टैंडर्ड मॉडल है जिसका एक्श्यम प्राइस है वन ट्वेंटी नाइन थाउजेंड और उन प्राइस हैल्ड इंजन है जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस कर एटीन पॉइंट जीरो एट पी एस की और मैक्सिमम टोर आउटपुट है मीटर विद सो एक लाख साठ हजार रुपए के अंदर अगर आपको एडवेंचर टूर टाइप की बाइक लेनी है तो फिर आप हीरो की एक्सपल्स टू हंड्रेड के साथ जा सकते हो आपको एक कंफर्टेबल क्रूजर टाइप की बाइक लेनी है तो एक्सपल्स 200 हंड्रेड टी के साथ जा सकते हो सो so दोस्तों ये थी फोर्थ नंबर पे हीरो के एक्सपल्स 200, हंड्रेड एक्सपल्स टू हंड्रेड टी और एक्सट्रीम टू हंड्रेड एस अब बात करते हैं इस लिस्ट की थर्ड बाइक के बारे में इस लिस्ट में थर्ड बाइक है सुजुकी जिक्सर एस एफ जो कि एक टिपिकल फुली फेड स्पोर्ट सेगमेंट की मशीन है दोस्तों अगर आपका बजट एक लाख साठ हजार रुपए के आसपास है और आपको एक फुली फेयर स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक लेनी है तो फिर सुजुकी की जिक्सर एस ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्यूंकि इस बाइक के लुक्स ओवरऑल डिजाइन और, और स्टाइल हीरो के एक्सट्रीम टू हंड्रेड ऐसे ज्यादा अच्छे है लुक्स पाइक के ज्यादा बेटर हैं और साथ ही इस बाइक के अंदर माइलेज भी आपको थोड़ी सी बेटर देखने को मिल जाती है जिक्सर एस एफ में आपको फोर्टी फाइव के एमपीएल की माइलेज बड़े आराम से मिल जाएगी इस बाइक के ओवरऑल लुक्स डिजाइन और स्टाइल काफी अच्छी दिए गए हैं इस बाइक के अंदर फ्रंट में काफी अच्छी शार्प लुकिंग एलईडी हेडलाइट है विद एलईडी डी आर एल्स कॉम्पैक्ट साइज फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है जिसके अंदर सारे फीचर्स फुली डिजिटल है और रियर में एलईडी टेल लाइट है इस बाइक के अंदर भी स्प्लिट सीट्स का सेटअप दिया गया है और बाइक के अंदर क्लिप ऑन टाइप के हैंडल बार हैं। जिक्सर एसएफ के अंदर भी एलो व्हील्स हैं, काफी अच्छे सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर्स हैं। बाइक की साइड फेरिंग देखने में काफी अच्छी है बाइक के अंदर काफी मस्कुलर फ्यूल टैंक है प्राइस के बारे में बात करें तो इस बाइक के स्टैंडर्ड मॉडल का एक शोरूम प्राइस है वन लेग थर्टी और ऑनरोड प्राइस दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा वन लैक सिक्सटी थाउजेंड के आसपास जिक्सर एस के अंदर 155 फिफ्टी सीसी का एयर कोल्ड इंजन है जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 13.6 पॉइंट की और मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट है 13.8 पॉइंट एट मीटर विद फाइव स्पीड ट्रांसमिशन सो सेगमेंट के अकॉर्डिंग इस बाइक की पावर आउटपुट उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी दोस्तों इस बाइक की ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी डिसेंट देखने को मिल जाती है क्योंकि एयर अच्छे होने की वजह से इस बाइक की परफॉर्मेंस काफी डिसेंट देखने को मिल जाती है बाइक की टैंक कैपेसिटी है 12 लीटर्स की यह बाइक डायमंड फ्रेम बेस्ड है जिसके अंदर फ्रंट में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स है रियर में प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है बाइक के अंदर फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक है विद स्टैंडर्ड सिंगल चैनल ईवीएस डायमेंशन के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक का वेट है 148 जी बाइक का ग्राउंड क्लियर है 165 सिक्सटी फाइव एम एम सीट हाइट है सेवन नाइन एम और बाइक के इलेक्ट्रिकल फीचर्स काफी अच्छी है दोस्तों एक लाख साठ हजार रुपए के अंदर अगर आपको एक फुली फेड स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक लेनी है जिसकी माइलेज भी काफी अच्छी हो तो फिर आप सुजुकी की जिक्सर एसएफ के लिए जा सकते हो जो फुली फेट स्पोर्ट सेगमेंट के अंदर इस बजट में सबसे बेस्ट ऑप्शन है अब बात करते हैं सेकंड बाइक के बारे में इस लिस्ट में सेकंड बाइक है होंडा होरनेट टू पॉइंट होंडा ने होरनेट टू पॉइंट के न्यू मॉडल को भी मार्केट में लॉन्च कर दिया है जिसका एक्श्योरम प्राइस हैर्टी थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड और इस बाइक का ऑनरोड प्राइस आपको देखने को मिलेगा वन लेकिन के आसपास न्यू मॉडल के अंदर होंडा ने सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस किए हैं और इस बाइक के अंदर कोई भी मेजर चेंज नहीं है और साथ ही होंडा ने इस बाइक के अंदर साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच भी दिया है जो पहले इस बाइक के अंदर नहीं आता था दोस्तों होंडा होरनेट टू का सबसे बेस्ट पार्ट है इस बाइक के इंजन रिफाइनमेंट इस बाइक की, की सबसे बड़ी यूएसपी है अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स इस बाइक के अंदर फ्रंट में गोल्डन फिनिश्ड शोवा के प्रीमियम अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स है और रियर में प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है इस बाइक के अंदर भी स्प्लिट सीट्स का सेटअप है ब्लैक कलर के एलोवील्स है और काफी मस्कुलर फ्यूल टैंक है बाइक के टैंक श्रॉट भी देखने में काफी अच्छे हैं जिसकी वजह से बाइक के ओवरऑल लुक्स काफी अच्छे लगते हैं बाइक के अंदर फ्रंट में काफी अच्छी शार्प लुकिंग एलईडी हेडलाइट है विद एलईडी डी बाइक के अंदर ऑल एलईडी लाइट्स का सेटअप भी दिया गया है इस सेगमेंट के अंदर आपको एलईडी इंडिकेटर्स भी देखने को नहीं मिलते हैं लेकिन होंडा होने टू पॉइंट के अंदर एलईडी इंडिकेटर्स भी है और कॉम्पैक्ट साइज फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है जिसके अंदर सारे फीचर्स फुली डिजिटल दिए गए हैं और रियर में एक्स शेप्ड एलईडी तेल लाइट है बाइक के अंदर फ्रंट और रियर में पैटल टाइप की डिस्क ब्रेक है विथ स्टैंडर्ड सिंगल चैनल ईबीएस इंजन के बारे में बात करें तो बाइक के अंदर 184.4 एटी सीसी का एयर कूल्ड इंजन है जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 17.26 पॉइंट की मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट है 16.1 पॉइंट वन न्यूटन मीटर विद फाइव स्पीड ट्रांसमिशन बाइक के अंदर 110 सेक्शन का फ्रंट टायर है 140 सेक्शन का रियर टायर है जो कि काफी अच्छे सुपर वाइट ट्यूबलेस टायर्स है सो ये थी सेकंड नंबर पे हुडा हून टू बात करते हैं इस लिस्ट की नंबर वन बाइक के बारे में सो इस लिस्ट में नंबर वन पे है टीवीएस के पांच आर टी आर टू हंड्रेड फोर वी दोस्तों तो अपनी सेगमेंट के अंदर वन ऑफ दी मोस्ट फीचर लोडेड बाइक है ये बाइक फुली लोडेड फीचर्स वाली मशीन है जिसके अंदर फीचर्स की कोई भी कमी नहीं है क्योंकि इस बाइक के अंदर एडजस्टेबल ब्रेक लीवर एडजस्टेबल क्लच लीवर और एडजस्टेबल टाइप के टेलीस्कोपिक फ्रंट फ्रंटफोक्स दिए गए हैं और ये फीचर्स इस सेगमेंट के अंदर और किसी भी बाइक के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं इस बाइक के अंदर दो वेरियंट दिए गए हैं सिंगल चैनल ईवीएस वेरियंट का एक शोरूम प्राइस है वन लैक थर्टी सिक्स थाउजेंड रोड प्राइस है वन लैक फिफ्टी सिक्स थाउजेंड डुबल चैनल का एक शोरूम प्राइस है, और प्राइस है, फोर अंदर का, है जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है ट्वेंटी पॉइंट एट टू पी एस की और मैक्सिमम टोक आउटपुट है सिक्सटीन पॉइंट एट न्यूट्रन मीटर विद फाइव स्पीड ट्रांसमिशन बाइक की फुल टैंक कैपेसिटी है ट्वेल्ल लीटर्स की दोस्तों वैसे इस बाइक के अंदर सिक्स स्पीड गेयर नहीं है और ना ही लिक्विड कूल्ड इंजन है लेकिन फिर भी बाइक की ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी डिसेंट है बाइक के अंदर काफी पावरफुल इंजन है और ओवरऑल परफॉर्मेंस भी बाइक की काफी अच्छी देखने को मिलती है इस बाइक के अंदर आपको 35 फाइव टू फोर्टी के एमपीएल की माइलेज देखने को मिल जाएगी ये बाइक डबल कैडल स्प्लिट फ्रेम पे बेस्ड है जिसके अंदर फ्रंट में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स है रियर में एडजस्टेबल मोनोशोक सस्पेंशन है बाइक के अंदर फ्रंट और रियर में काफी अच्छी डिस्क ब्रेक है सिंगल चैनल ईबीएस का भी ऑप्शन है डुबल चैनल ईबीएस का भी ऑप्शन है।, है और इलेक्ट्रिकल फीचर्स भी बाइक की काफी अच्छे हैं क्योंकि बाइक के अंदर फ्रंट में एलईडी हेडलाइट है विद एलईडी डी फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है जिसके अंदर स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और नेविगेशन सिस्टम फीचर भी दिया गया है और साथ ही दोस्तों इस बाइक के अंदर स्लीपर क्लच भी है जो इस सेगमेंट के अंदर आपको और किसी भी बाइक के अंदर देखने को नहीं मिलती है सो दोस्तों ये थी नंबर वन पे टीवीएस के पांच आटर टू हंड्रेड फोर वी जो अपने सेगमेंट के अंदर सबसे बेस्ट फुली लोडेड फीचर्स वाली मशीन है और बिल्कुल एक वैल्यू फॉर मनी बाइक है सो दोस्तों ये थी टॉप फाइव बेस्ट बाइक्स अंडर वन लेख सिक्सटी थाउजेंड ऑनरोड प्राइस एक लाख साठ हजार रुपये के अंदर ये बाइक्स आप परचेज कर सकते हो और मार्केट में सभी बाइक्स काफी अच्छा ऑप्शन है एक लाख साठ हजार रुपए के अंदर अगर आपको सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस वाली बाइक चाहिए तो फिर आप बजाज की पल्सर एन एस के लिए जा सकते हो अगर आपको एक फुल्ली फेयर स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक चाहिए तो फिर आप जिक्सर एस के लिए जा सकते हो और अगर आपको सबसे बेस्ट इंजन रिफाइनमेंट इंजन रिलायबिलिटी और माइलेज वाली बाइक चाहिए तो फिर आप होंडा की होर्नेट टू पॉइंट के लिए जा सकते हो और अगर आपको सबसे बेस्ट फीचर्स जैसे कि डुअल चैनल एडजस्टेबल ब्रेक लीवर एडजस्टेबल क्लच लीवर राइडिंग मोड्स ये सभी फीचर्स वाली बाइक चाहिए तो फिर आप आर टी आर के लिए भी जा सकते हो और अगर आपको एक एडवेंचर टूर टाइप की बाइक लेनी है तो एक्सपल्स 200 के साथ भी जा सकते हो सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी इस वीडियो में कुछ भी अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना सो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में टिल देन राइड सेफ ड्राइव सेफ